नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम माने सेहत में। मैं हूँ आपके साथ मधुमिता पाल, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डाइट कंसल्टेंट डॉक्टर शिल्पी गोयल। डॉक्टर शिल्पी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर्दियों का मौसम सेहत बनाने का मौसम होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इस मौसम में क्या खाया जाए और क्या नहीं, इसे लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। इसलिए आज हम आने सेहत में डॉक्टर शिल्पी से जानेंगे कि विंटर डाइट कैसी होनी चाहिए, जिसे फॉलो कर आप सेहतमंद तो बनेंगे ही, साथ ही दिन भर एक्टिव भी फील करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। बदलती लाइफस्टाइल के साथ डाइट में बदलाव आना लाजमी है। खाना हमारे जीवन का आधार है, और खानपान में की गई लापरवाही के कारण हमें बहुत सी बीमारियों से दो चार होना पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी जीवन शैली के साथ साथ संतुलित भोजन लेना भी बहुत जरूरी है। यूं तो बीमारी और सेहत दोनों का रास्ता हमारे खानपान से होकर गुजरता है, इसलिए सही और पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी बेहद जरूरी है। एक सही डाइट हमें कई बीमारियों के संभावित खतरे से बचा सकती है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि सही आहार हमारे शरीर की गाड़ी के लिए किसी फ्यूल की तरह है, और इसीलिए सही डाइट और न्यूट्रिशन लेना एक हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी है। आमतौर पर बदलते मौसम में अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं, और इसका मुख्य कारण है शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता की कमी होना। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति हर मौसम में पौष्टिक आहार ले, जिससे उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और वो एक स्वस्थ और निरोग जीवन जिए। बाकी मौसम की तरह ठंड के मौसम में भी सही डाइट लेना बेहद जरूरी है। ये एक ऐसा मौसम है जब ठंड से जुड़ी बहुत सी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। ऐसे में शरीर को वार्मथ चाहिए होती है, और ये एक सही डाइट से ही पॉसिबल है। सर्दियों में कई सुपर फूड्स ऐसे हैं जो हमें हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, इसलिए विंटर डाइट के लिए किसी डाइटिशियन से सलाह लेना आपको हेल्दी बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच 24x7। आज हम लगातार चर्चा करने वाले हैं विंटर डाइट के बारे में। अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा किसी भी तरह का कोई सवाल है, और आप इससे जुड़ी कोई जानकारी अगर चाहते हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा 4242281 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डाइटिशियन शिल्पी गोयल लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। शिल्पी जी, जिस तरीके से हम डाइट की बात करते हैं, सर्दियों का मौसम ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत तरह तरह की चीज़ें खाते हैं जो बाकी दूसरे मौसम में नहीं खा पाते हैं। कैसे अपने डाइट को मेंटेन रखना चाहिए, इस समय की डाइट कैसी होनी चाहिए? जो विंटर मौसम होता है, इस समय हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं जितना हम ओवर ईटिंग इस समय हम कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं विंटर का मौसम, क्योंकि इस समय हमारे पास सभी तरह के वेजिटेबल्स और सभी तरह के रंग बिरंगे फल मौजूद होते हैं बाजार में, और हमारे पास उनकी अवेलेबिलिटी होती है। अगर हम उनको अपनी डाइट में शामिल करें, तो विंटर बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार लेने का एक जरिया हो सकता है। तो मैं तो अपने क्लाइंट से यही कहती हूँ कि विंटर का जब मौसम आए, तो अपने आप को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वेराइटी में आप बिल्कुल इमर्स कर लें। बहुत सारी वेराइटी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खाएं, और इसके इसको अपने हेल्थ के लिए जितना ज़्यादा हो सके आप यूज़ करें विंटर के मौसम को। जी, इस समय काफ़ी तरह तरह की चीज़ें मार्केट में होती है, हर तरह के फ्रूट्स होते हैं, हरियाली बड़ी अच्छी सी लगती है। और लेकिन जैसे आपने फ्रूट्स की बात कही, तो इस मौसम में कई बार सर्दी खांसी जैसी जो हमेशा चलने वाली जो है, ये इस तरह की चीज़ों से लोग घिर जाते हैं, तो इस समय कैसे वो अपने आप को प्रिकॉशन रखें, किस समय वो क्या चीज़ें खाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अमरूद सुबह 6 बजे खाने बैठेंगे, तो आपको अच्छी डाइट के बजाय, अच्छे हेल्थ के बजाय आप बीमार भी हो सकते हैं। तो किस समय आप क्या कुछ खाएं? जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होते, सर्दी हो या खांसी हो, आप फ्रूट्स को अवॉइड ना करें। आपको जो चीज़ अवॉइड करनी है वो ये है कि कोई भी फ्रूट्स को रेफ्रिजरेटेड फॉर्म पे आप ना खाएं, आप फ्रूट्स को बाहर ही स्टोर करें। और अगर वो रूम टेम्परेचर में है, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें इम्यूनिटी बूस्ट करने की ताकत होती है, जैसे कि अमरूद हो गया, आपका ऑरेंज हो गए, मौसम्मी हो गई, और बेर हो गए, ये जो इस मौसम में आते हैं, इनफैक्ट इसमें इम्यूनिटी बूस्ट करने की ताकत होती है। करना केवल इतना है कि आप इसको रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में आप ना लें। और जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि हम ग्रीन वेजिटेबल की बात कर रहे थे, तो मेथी, पालक, केल, गोभी के पत्ते,
सरसों की भाजी और बथुआ भाजी, इस तरह के सभी हरी भाजियों को हमें डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी से बूस्ट हो जाती है। जी शिल्पी, हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आलम जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आलम जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, अपना सवाल बताइए। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, बताइए। मैडम मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ जी, तो मैं क्या खा सकता हूँ क्या नहीं खा सकता हूँ मैडम? आपके लिए अधिक रेशे वाला सामान खाना बहुत अच्छा होगा। आपके लिए मेथी, आंवला और सभी तरह की हरे पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी हैं। फलों में आप आम, केला, चीकू, सीताफल, जो कि आम तो अभी इस मौसम में नहीं आता, इनको छोड़कर बाकी सभी फ्रूट्स जैसे कि पपाया, आप अनार, सेब, आप अमरूद बहुत अच्छे से आप खा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दें कि आप फलों के जूस को ना लेकर के होल साबुत फल को खाने की कोशिश करें। छिलके वाली दालें आप इस्तेमाल करें जो कि ज़्यादा बेहतर होती है, और स्प्राउट्स, नट्स आपके डाइट में होने चाहिए। अच्छे वाले अनाज होने चाहिए जैसे कि ओट्स, दलिया। आप सूजी, मैदा, ब्रेड इनको अवॉइड करें, तो आपकी एक अच्छी डाइट इसमें डायबिटीज़ के लिए ये एक अच्छी डाइट होती है। शिल्पी, इस मौसम में ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, और इस मौसम में हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। कितना भी आपको डाइटिशियन बोल दे, कितना भी मम्मी बोल दे, कितना भी कोई भी बोल दे, लेकिन हम पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं। तो कैसे हम अपने डाइजेशन सिस्टम को सही कर सकते हैं? पानी का इंटेक आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत कम करते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट कम होती है ऐसा नहीं है। पानी का इंटेक हम कम इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्मली वेदर ठंडा होता है, हमें थर्स्ट की फीलिंग नहीं होती है। गर्मी में क्या होता है कि हमें थर्स्ट की फीलिंग हो जाती है, तो हम अधिक पानी पीकर उसको कॉम्पनसेट करते हैं, पर पानी की रिक्वायरमेंट तो जस के तस रहती है बॉडी में। हम पानी कम पीते हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सबसे फर्स्ट तो यही है कि आप वाटर को रिमाइंड कर करके, सिप कर करके पीते जाएँ। दूसरा बहुत अच्छा तरीका है कि जितनी भी आप चीज़ें खाते हैं वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में अगर आप लेते हैं, जैसे कि अगर आप दलिया ले रहे हो, खिचड़ी ले रहे हो, सूप को ऐड करें आप अपने विंटर डाइट में, तो जितनी भी चीज़ें आपने पतली आपने ली, और अलग अलग तरह के हम हर्ब्स के पानी ले सकते हैं। जैसे इस समय हमें सर्दी और खांसी की शिकायत ज़्यादा हो जाती है, या फिर हमें वार्म फील करने के लिए भी अगर हम अलग अलग तरह के पानी बनाएं, जो कि कभी तुलसी, हल्दी, लौंग में उबाला हुआ हो, दालचीनी में उबाला हुआ पानी हम पी लें, तो इस तरह की कई तरह की हर्बल टी हम बीच बीच में लेते रहें जिसमें चाय पत्ती, कैफीन एडेड ना हो, नेचुरल हर्ब्स हम ऐड करके उसकी वो बना ले, पानी बना ले, वार्म वाटर बना ले, और उसको सिप करते जाएं, तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब मैं आपसे ये भी चाहूँगी कि आप कम से कम 3 ऐसे वार्म वाटर बताइए जो हमारे जो दर्शक हैं वो अपने घर में इसका इस्तेमाल कर सके, और जो चीज़ें हमारे घर में आसानी से उपलब्ध भी हो सकें। एक तो चिया सीड का पानी आप पी सकते हैं। चिया सीड को आप पानी में डालकर छोड़ दें थोड़ी देर, फिर उसको वार्म करके भी आप पी सकते हैं, या नॉर्मल टेम्परेचर में भी आप चिया सीड का पानी पी सकते हैं। आपको लगातार उसे एनर्जी की फीलिंग मिलती रहेगी। लौंग, तुलसी पत्ते का पानी भी बहुत अच्छा होता है इस समय। तीसरा पानी आप जो ले सकते हैं वो है दालचीनी के पाउडर का पानी, ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी वार्म इफेक्ट होता है। मेथी दाना भी एक दूसरी चीज़ है, मेथी, सौंफ, जीरे को पीस कर उसका पाउडर बना लें और उसको पानी में ऐड करके उसका भी पानी लेना बहुत ही अच्छा रहता है। जी, इसके साथ साथ जिस तरीके से हमारे पास एक पेशेंट आया जिन्होंने कहा कि मुझे शुगर की शिकायत है, इस तरीके के अगर हम 2-4 बीमारियों के साथ अगर हम किसी, जिसे मान लीजिए किसी को हाई बीपी की शिकायत होती होगी या किसी को शुगर का कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे जो लोग हैं वो जनरली अपनी डाइट सर्दियों में कैसे रखें? अगर बीपी है, शुगर है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो पानी का इंटेक हमें बढ़ा लेना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमें हर मौसम में, हर बीमारियों में हमें वर्जित नहीं होते हैं, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक रखना चाहिए। दूध, अंडे और अच्छी तरह के अनाज। सबसे ज़्यादा हम जो गलतियाँ करते हैं वो होती है कि हम बहुत ज़्यादा मैदा या ब्रेड वाले आइटम्स खाते हैं, वो अच्छा नहीं होता है खाना। फैट में हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि डीप फ्राई करने की जगह हमें अच्छी क्वालिटी के फैट्स लेने चाहिए। अच्छी क्वालिटी के फैट में आप शामिल कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में घी, आप कोकोनट तेल, कोकोनट मतलब कि नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, और सभी तरह के जो सीड होते हैं जैसे मूंगफली है, तिल है, इन चीज़ों को लिमिटेड मात्रा में हम अगर ऐड करते हैं तो ये एक अच्छी डाइट हम कह सकते हैं कि उनको फॉलो करनी चाहिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ रही हैं, भिलाई से जुड़ रही हैं। रुचि हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, बताइए अपना सवाल।
ये मुझे पूछना था कि मैं थायराइड पेशेंट हूँ सिंस लास्ट 5-6 इयर्स, तो मुझे विंटर्स में क्या डाइट लेना चाहिए? ओके रुचि जी, जब थायराइड होता है इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है, यानी कि आपकी खर्च करने की क्षमता जो है, कैलोरी को खर्च करने की क्षमता कम है। विंटर में आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपनी एक्टिविटी जारी रखें, जो भी फिजिकल एक्टिविटी वर्कआउट अगर आप कर रही हैं, अगर नहीं कर रही हैं तो आप ज़रूर करें फिजिकल एक्टिविटी। पानी का इंटेक हम लगातार कह रहे हैं कि पानी का इंटेक कम नहीं होना चाहिए, पानी का इंटेक आप अच्छा रखें और हेल्दी डाइट, आप हेल्दी डाइट का सेवन करें दिन भर। आप सूप, बहुत तरह के वैरायटी के सूप आप ठंडियों में बना सकती हैं, बहुत तरह के दलिया पॉरेज, ओट्स का पॉरेज बन सकता है, दलिया का पॉरेज बन सकता है, रागी, बाजरा, मक्का, ये सब भी लेना बहुत हेल्दी रहता है ठंड के समय। सभी तरह के वेजिटेबल, आप एक वेजिटेबल का प्लेटर ले लें, बना लें और उसको खाएं, एक मील पूरा वेजिटेबल का रखें, ये भी बहुत हेल्दी है। जैसे कि मटर होते हैं इस मौसम में, मटर होते हैं, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, बंद गोभी, पत्ता गोभी, आप सभी चीज़ों को कच्चा सेवन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं जी। यहाँ पर हम जैसे डाइट की बात करें तो यहाँ पर सीधा ये आता है कि अपने आप को फिट रखना। डाइट मतलब ये होता है कि खाना ही नहीं, उस खाने से हम फिट कैसे रहें। तो अब जो हम डाइट की बात कर रहे हैं, अपने अगर कोई वेट लॉस करने के प्रोसीजर पर है, कोई वेट कम करना चाहता है, तो वो किस तरीके की डाइट अपने विंटर में अपनाएं? विंटर में लोग जो वेट कम करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा खाने से बचें, जैसे अलग अलग तरह के लड्डू या हलवा इस समय लोग बनाते हैं घर में, या फिर पकोड़े और समोसे बनाते हैं ये सोच करके कि विंटर है, चलता है, तो उन चीज़ों से आप बचें, बहुत ज़्यादा बाहर के खाने से बचें, जंक फूड से बचें। और जब आप घर में होते हैं तो अंडे बहुत अच्छे होते हैं विंटर्स में, आप ज़रूर अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे लें। जो लोग दूध पीते हैं वो दूध का सेवन करें, पनीर ले सकते हैं, बहुत तरह के योगर्ट आप घर में बना सकते हैं। मैंने जैसे अभी बताया कि चिया सीड डालकर, फ्रूट्स डालकर आप कर्ट के साथ योगर्ट बना सकते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है। दालें प्रॉपर मात्रा में लें, आप दाल का चीला बना कर ले सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होता है। कुछ तरह के सीड आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, जैसे कि चिया सीड, पम्पकिन सीड या अलसी के बीज, ये सब बहुत हेल्दी होते हैं। और वेजिटेबल और फ्रूट्स का सेवन लगातार बहुत अच्छे तरीके से करें, तो आप कम कैलोरी में आप अपने आपको अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे विंटर्स में। शिल्पी, ठंड में जैसा कहा जाता है और सच में ऐसा होता भी है, हमें भूख थोड़ी थोड़ी देर में लग जाती है कि, और लगता है कि कुछ अच्छा खाया जाए, क्या खाया जाए, तो ऐसे ऐसी भूख के लिए क्या कुछ लेना चाहिए? अगर हम अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर रखें तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आपने अपने डाइट में प्रोटीन अच्छा लिया हुआ है, आपने अगर नाश्ते में दही मट्ठा या फिर आपने दूध लिया हुआ या अंडा लिया हुआ है या फिर पनीर लिया हुआ है या फिर लोग प्रोटीन शेक भी लेते हैं, अगर आपने अपने डाइट में प्रोटीन को प्रॉपर वैल्यू रखी है तो आपको ये थोड़ी थोड़ी देर में लगने वाली भूख से आप बच सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है तो सूप एक ऐसी चीज़ है जो आप बार बार ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, बीच बीच में आप सैलड्स खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, तो इस तरह से हम अपनी इस छोटी वाली भूख को शांत कर सकते हैं जी। इसके साथ साथ ये तो हो गया, अब अगर हम बच्चों की बात करें, छोटे बच्चे जो होते हैं वैसे तो बहुत ड्रामा करते हैं खाना खाने में, लेकिन अगर 3 से लेकर के हम 15 साल के बच्चों की बात करें तो उनकी डाइट हम कैसे इस समय रखें, क्योंकि उनको खेलना भी है बहुत और उन्हें दौड़ना भी है, उन्हें पढ़ना भी है, उन्हें अपनी बाकी एक्टिविटीज़ भी करनी है, तो वो सारी चीज़ों के लिए उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? बढ़ती हुई उम्र होती है 3 से 15 साल के बीच की, बहुत तेज़ी से फिजिकल ग्रोथ होती है, तो उनको ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में हो। तो उसके लिए हम उनको पीनट की चिक्की दे सकते हैं, पीनट को घर में ही पीस के पीनट बटर बना सकते हैं, जिसको स्प्रेड के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं चपाती के ऊपर। ब्रेड्स बच्चों को कम देने चाहिए, बट अगर वो लाइक करते हैं तो उस पर पीनट बटर हम स्प्रेड करके दे सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। हम बहुत तरह के लड्डू बना सकते हैं उनके लिए, हेल्दी लड्डू जो ड्राई फ्रूट्स के बने हुए हों, जैसे कि खजूर और बादाम और सारी चीज़ों को मिक्स करके तिल के लड्डू, और वो लड्डू छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, वो बच्चे आते जाते घूमते हुए वो खा सकते हैं, बहुत कैल्शियम पैक्ड होते हैं वो।
एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा आइटम होता है रागी की शीरा। रागी में भी कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। उसको थोड़े से घी में ड्राई रोस्ट करना है और फिर अच्छे से उसमें गुड़ के साथ आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। रागी की शीरा बच्चा बहुत पसंद करते हैं, थोड़ा सा चॉकलेटी टेस्ट होता है उसमें, वो आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम घर में नॉर्मली बनाते हैं, सूप है या दलिया है या अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, वो अगर हम बच्चों को दें तो विंटर्स में उनके लिए बहुत अच्छा हेल्दी हो सकता है। जी डॉक्टर शिल्पी, हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ रही हैं, पटना से हमारे साथ सीमा जुड़ रही हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका आईने सेहत में, अपना सवाल बताइए। मैम, मैं 5 साल से हाइपोथायरॉइडिज्म से जूझ रही हूँ और एक बार टीवी में किसी डॉक्टर ने कहा था कि किसी तरह का भी चना, भुना हुआ हरा चना, फिर सब्जी में फूल गोभी, चुकंदर, पालक, बंद गोभी, ये सब नहीं खाना चाहिए हाइपोथायरॉइडिज्म में। तो क्या ये नहीं खाना चाहिए मैम? देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म में एक भ्रांति है कि आप कच्ची सब्जियां ना खाएं, स्पेशली फूल पत्ता गोभी और गाइट्रोजनक जो भी वेजिटेबल्स होती हैं, लेकिन अगर आप इसको कुक्ड फॉर्म में खाती हैं तो कोई नुकसान नहीं है। पत्ता गोभी वैसे भी हम बहुत ज़्यादा कच्चा सेवन नहीं करते हैं उसका, तो आप पके हुए फॉर्म पे खा सकती हैं। जो चना आपने सुना है कि चना नहीं खाना चाहिए, तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। चना बिल्कुल पूरी तरह से अलाउड है हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपोथायरॉयडिज्म में कुछ भी नहीं होता, बस आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए आपको खर्च ज़्यादा करना है और खाने में सेंसिबली खाना है ताकि आप वेट गेन ना कर सकें। अगर आप कुछ चंद बातों का ध्यान रखें कि आप बाहर का सामान, मैदा और तली हुई चीज़ें और बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें ना खाएं, तो आप अपने आप को बिल्कुल हेल्दी और फिट रख सकती हैं। डॉक्टर शिल्पी, जिस तरीके से अगर हम डाइट की आपने बात करी, मैंने एक सवाल आपसे किया था कि जो छोटी छोटी भूख हमें लगती है बीच जी बीच में, उसके लिए आपने बताया कि अगर आप प्रोटीन और विटामिन और कैल्शियम को बराबर लेवल पर अगर हम सुबह से ही अपनी डाइट में लेंगे तो हमें इस तरह की परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा और चटोरापन जो है हमारा वो काबू में रहेगा। तो ये इसके लिए हम जो डाइट लेंगे वो कैसी होनी चाहिए? सुबह हम कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं, जो हम अपने लंच में शामिल कर सकते हैं, जो 10 बजे एक जो रसस मान लीजिए आप उसको, तो हम उसमें शामिल कर सकते हैं। ऐसे कौन-कौन से ऑप्शंस हैं जिन्हें हम शामिल कर सकते हैं? तो सुबह हमारी होनी चाहिए हमेशा कुछ हेल्दी ड्रिंक से। अगर आपके पास समय है तो आप वेजिटेबल का ड्रिंक बना लें जिसमें चुकंदर, टमाटर, लौकी, जो भी हेल्दी वेजिटेबल इस समय आती है, पालक, ये सब डालकर आप उसका रस निकाल कर आप पिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप केवल लेमन वाटर और कुछ ड्राई फ्रूट्स के दाने आप खा सकते हैं मॉर्निंग के लिए, ये बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। नाश्ते पे आपको ज़रूर या तो मिल्क 1 ग्लास या फिर उसका पनीर या फिर दही के फॉर्म पे कुछ एक प्रोटीन ऐड करना चाहिए वेजिटेरियंस को। नॉन वेजिटेरियंस चिकन या फिर एग को शामिल कर सकते हैं। इसके साथ जो भी आप पॉरेज बना रहे हो, अगर ओट्स आप खाते हैं आपके पेट में काफ़ी देर स्टे करता है। अगर आप दलिया बना रहे हो या बाजरा या ज्वारी की रोटी या फिर मिक्स वेज, मेरे लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है इस मौसम में मिक्स वेजिटेबल रोटी कर्ड के साथ अगर आप खाते हैं तो आपका अच्छा खासा पेट भर जाता है। अगर आपको बीच में फिर से भूख लगती है तो आप थोड़ी सी स्प्राउट की चाट खा सकते हैं। उसके बाद आप सैलेड और फ्रूट्स लेते रहिए। लंच की शुरुआत करने के पहले आप मट्ठा ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, उससे आपका काफ़ी अच्छा पेट भरता है। आप अपने खाने के पहले, खाने के साथ सैलेड बिल्कुल ना भूलें। दाल का पानी भी एक अच्छा वो है जो अगर आप बीच में पीना चाहें तो आप पी सकते हैं। अदरवाइज आप अपने लंच में दाल, रोटी, सब्जी का सेवन करें। सब्जियों में हरी सब्जियां, मुनगा, मेथी, ग्वार फली जो इस समय आती हैं उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इवनिंग की भूख के लिए वापस से कुछ फ्रूट्स का सेवन करना या फिर आप अपना दूध या फिर कुछ वेजिटेबल की जैसे चना की चाट, आपने रोस्टेड चने खा लिए या रोस्टेड आपने सीड्स खा लिए, पम्पकिन सीड्स या चिया सीड्स। और रात का खाना हल्का और लिक्विडी होना चाहिए, जैसे कि दलिया या खिचड़ी, सूप के साथ अगर आप लेते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा। जी, यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपने बताया और जनरली ये बहुत इजी अवेलेबल होता है जो हम घर में अंकुरित अनाज जो होते हैं उसे हम लेते हैं, लेकिन इस पे भी अगर हम कुछ चेंज करना चाहें, कुछ बदल बदल कर लेना चाहें, तो कैसे हम उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं? तो जैसे अंकुरित जो अनाज होते हैं, जैसे कि मूंग है, मोठ है, चना है, आप इसमें राजमा, छोला भी आप सोक करके अगले दिन आप ले सकते हैं, उसको भी चाट के जैसे बनाकर आप ले सकते हैं। या और ज़्यादा इसको चेंज करना चाहें तो उसको मिक्सी में आप ग्राइंड कर लीजिए और फिर उसका चीला बना करके भी आप खा सकते हैं। आप इसको अपने सैलेड्स में ऐड कर सकते हैं, आप इसकी दाल बना सकते हैं, आप कभी उसको सब्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं।
पर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ठंड में आपको काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और आपका स्टमक में इसकी सेटाइटी वैल्यू अच्छी होती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, रायपुर से पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा, स्वागत है आपका आईने सेहत में, सवाल बताइए। मैम, आप दोनों को नमस्ते। जी मैम, हमें ये पूछना है कि प्लीज स्पेसिफिक फल और स्पेसिफिक सब्जियां या खाने के सामान बताइए जिससे मैम फर्स्ट हार्ट अच्छा रहे और मैम किडनी के लिए भी कि जिससे किडनी अच्छी रहे। यानी अलग अलग फल और सब्जियां जो हार्ट को हेल्दी रखें स्पेसिफिकली और किडनी को अच्छा रखें। आपके हार्ट को हेल्दी रखने वाली सभी सब्जियां और फल, सभी फल एक्चुअली हार्ट को हेल्दी रखते हैं। सब्जियां जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, टमाटर, मटर, बंद गोभी, फूल गोभी, जितनी भी सब्जियां आती हैं, इनफैक्ट कोई भी सब्जी ऐसी नहीं कि जो हार्ट के लिए नुकसानदायक हो। आप सभी फल और सब्जियों को जो आपके लिए सीजनली अवेलेबल है, लोकली अवेलेबल है, विंटर के मौसम में सभी सब्जियां अवेलेबल होती हैं, आप ले सकती हैं। किडनी के लिए भी करीब करीब सभी वेजिटेबल्स और वो हेल्दी होते हैं, जब तक अंटिल एंड अनलेस आपकी किडनी में कोई खराबी शुरू ना हो गई हो। जब किडनी में खराबी शुरू हो जाती है तो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं उसके सोडियम कंटेंट के कारण, वरना आप सभी सब्जी और फल आप इस्तेमाल कर सकती हैं। शिल्पी, यहाँ पर ओमेगा 3 का इस्तेमाल हमेशा डाइटिशियन बताते हैं, बट साधारण तौर पर लोग इसे समझ नहीं पाते हैं कि हम इसे किस फॉर्म में ले, कैसा होता है ये, कहाँ अवेलेबल होगा, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ओमेगा 3 का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, घर में कोई चीज़ ऐसी होती है या फिर इसे बाहर से आपको परचेस करना होगा? ओमेगा 3 एक तरह का फैटी एसिड होता है, मतलब कि फैट हमारे को दो तरह से मिलता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये दो तरह के फैटी एसिड्स हैं। तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 रिच जो फैटी एसिड्स होते हैं वो अच्छे स्रोत माने गए हैं फैट के, तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें अवेलेबल होता है ओमेगा 3। आपके फिश में होता है, नॉन वेजिटेरियन में, तो फॉर वेजिटेरियंस अगर आप वॉलनट खा रहे हों, अखरोट खा रहे हों, बादाम खा रहे हों, तो ये आपको अवेलेबल हो जाता है। फ्लैक्स सीड्स में भी होते हैं ओमेगा 3, तो आप उसको भी खा सकते हैं, अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और ये बड़े ईजिली अवेलेबल हो जाता है आपको। जी, इसके साथ साथ जिस तरीके से ठंड की हमने डाइट की यहाँ पर बात करी और खाने की हमने सारी चीज़ों की यहाँ पर बात करी, यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लड्डू वगैरह जो बनते हैं वो भी काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो ऐसे कौन से, किस तरीके से हमें लड्डू फॉर्म करना चाहिए ताकि वो मतलब मोटापा ना बढ़ाए, आपको अच्छा रखे? जितनी भी नेचुरल चीज़ें आप यूज़ करेंगे लड्डू में, घी और शक्कर की मात्रा जितनी आप कम कर सकते हो लड्डू बनाने के प्रोसीजर में, तो वो हेल्दी हो जाता है। अगर आपने शक्कर के बदले आपने ड्राई फ्रूट्स, खजूर और दूसरी चीज़ें यूज़ की, गुड़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर गुड़ को भी शक्कर का रिप्लेसमेंट ना माने। अगर आपने नेचुरली जो चीज़ें मीठी होती हैं, जो ड्राई फ्रूट्स में अंजीर होते हैं या खजूर होते हैं, उसके साथ अगर आप बना रहे हो तो बहुत हेल्दी है। और अपने घी को कम करके अगर ड्राई फ्रूट के खुद के फैट में अगर चीज़ों को रोस्ट किया और आपने कुक की, क्योंकि जो बीज होते हैं, जितने भी सीड्स होते हैं या फिर नट्स होते हैं, उनमें खुद का फैट होता है, जब आप उसको ड्राई रोस्ट करके फिर कंबाइन करके लड्डू बनाते हैं तो वो हेल्दी होते हैं और आपको वेट गेन नहीं कराते हैं। शिल्पी, जिस तरीके से दूध की जब भी बात आती है तो हम उसमें हल्दी मिला करके सर्दियों में अपने फैमिलीज़ में देते हैं, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको, तो ये हल्दी का सेवन क्या 12 माह किया जा सकता है इस तरीके से? बिल्कुल किया जा सकता है, हल्दी का सेवन 12 महीने किया जा सकता है, क्योंकि जो अमाउंट हल्दी में हम हल्दी दूध में मिलाते हैं वो इतना अधिक नहीं होता कि आप उसको केवल सर्दियों के लिए ही पैक रखें। हाँ, और इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, इनफैक्ट आप जब दूध पीते हैं और उसमें हल्दी डालते हैं तो उसके साथ साथ आप जिंजर भी ऐड करें, ठंडियों में लौंग ऐड कर सकते हैं, आप थोड़ी सी तुलसी पत्ता ऐड कर सकते हैं, तो ये और ज़्यादा प्रोटेक्टिव और हेल्दी हो जाता है ड्यूरिंग विंटर्स। जी शिल्पी, बहुत अच्छी आपने जानकारियाँ यहाँ पर दी, सर्दियों में किस तरीके से खान पान होना चाहिए इसे आपने हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सेहतमंद बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।